नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूँ वैशाली। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा में पुलिस आवासीय कॉलोनी में रह रही महिला सिपाही के घर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से आसपास रह रहे पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन इतने में क्वार्टर में रखा सारा माल जलकर राख हो गया। दरअसल मामला है जनपद अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र का, जहां पुलिस आवासीय कॉलोनी में एक महिला सिपाही के घर तड़के सुबह शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। ये देख आसपास के पुलिस कर्मियों में भी हड़कंप मच गया। किसी ने जब जानकारी फायर ब्रिगेड को दी तो फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद बमुश्किल आग पर काबू पाया गया, लेकिन इतने में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि किसी भी तरह की जान को नुकसान नहीं पहुंचा। सर, आपको जो यहाँ जो थाने में आग लगी शॉर्ट सर्किट से, आपको किस टाइम सूचना मिली थी? हमको हमारे फायर स्टेशन को 10:51 पर सूचना मिली। जैसे सूचना मिली हमारी गाड़ी तत्काल यानी वहाँ से निकली और यहाँ 2 मिनट बाद यानी यहाँ पर अपना कार शुरू कर दिया। कितनी देर में आग को काबू पा लिया? आग को काबू तो हमने 5 मिनट के अंदर ही पा लिया। इसके बाद उसको अपने सालवेज करते रहे, बुझाते रहे। क्या क्या सामान जल गया अंदर, कुछ जानकारी हुई? इसमें इन्वर्टर है और इनका ऐसी वो कूलर वूलर है और कुछ बैटरा है। प्राइम न्यूज 24 के लिए गजरौला से कविंद्र सिंह की रिपोर्ट।